हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग जो करेंसी कैलकुलेटर ये बहुत है उसको बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ईवेस्टी से और या कोई भी, यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे है लैंग्वेज जो कि करेंसी होते हैं अलग अलग कंट्री के। यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, यहाँ से भी जिस चीज़ का जो करेंसी होता है उस करेंसी को अगर हम किसी अन्य देश के करेंसी में बदलना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे यूरो हो गया या नेपाली, भूटानी या कोई भी, मतलब जो भी हमारे करेंसी होते हैं उसको आप कैसे बदल सकते हैं। जैसे पीकेआर हमको पाकिस्तान का होता है तो पाकिस्तान के रुपये में कैसे बदलेंगे। यहाँ पे 5 USD कितना होता है, यहाँ पे इस तरह करके, मतलब यहाँ पूरा का पूरा आप चेंज कर सकते हैं कि जो भी हमारे HKD, इस तरह से करके कैसे आप बदलेंगे। $5, $10 या 20 डॉलर या कोई भी चीज़ लिखेंगे, $200 कितने हुआ हमारे USD में, कितना बराबर SKD हुआ। तो देख रहे हैं 2017 दिखा रहे हैं SKD में, तो इसको आप कैसे बदल सकते हैं, कैसे इस तरह के बना सकते हैं जो कि करेंसी को कन्वर्ट करेगा। जिस भी करेंसी को देंगे तो वो मैं बनाऊंगा ChatGPT की मदद से मात्र 5 मिनट के अंदर में। इसका UI सब मैं इसी से बनाऊंगा, मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं है, तो मैं आपको चलता हूँ ChatGPT की मदद से आपको बनाकर दिखाऊंगा मैं। तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट आना है ChatGPT पे और सर्च करना है हाउ टू मेक करेंसी कैलकुलेटर इन ए लाइव स्टूडियो इन जावा विद XML, राइट द फुल कोड। इतना लिखने के बाद क्या करना है आपको, एंटर मार देना है। एंटर जैसे मारेंगे क्या होगा, आपको बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा कोड क्या हो जाएगा, राउट राइट होकर मिल जाएगा। देख रहे हैं ये आपका क्या कोड मिलना शुरू हो गया यहाँ पे, तो अभी कोड मिल जाएगा। उसके बाद बोला है, सबसे पहले बोला है इतने कि आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा यहाँ, देख रहे हैं बोला है। तो मैं क्या करूँगा डायरेक्ट यहाँ पर दिखा दूँ कैसे क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आऊँगा यहाँ पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ और मेरे पास ये वाला है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। एक मैं क्या करूँगा डायरेक्ट फाइल पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा और न्यू पे और न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आने के बाद से आपको क्या करना है, MTP एक्टिविटी और नेक्स्ट पे जा करके क्या करना है, नया प्रोजेक्ट नेम और लोकेशन जो भी इसका है और ये सारी चीज़ें लिख कर क्या करना है आपको क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश क्रिएट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी क्रिएट कर लिया हूँ क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, 5 मिनट लगता है, तो मैं ज़्यादा 5 मिनट नहीं लगाना चाहता अगर आपका समय जाएगा तो, इसलिए मैं करके यहाँ पर कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, टेक्स्ट हेलो वर्ड है और यहाँ मैनिफेस्ट मैंने एक्टिविटी करने देख रहे हैं कुछ नहीं है, मतलब कि मैं पूरा का पूरा सिंपल मेरा कोड है, इसमें कोई भी चेंजिंग अभी नहीं किया है। अब मैं क्या करूँगा, इसका कोड लूँगा और कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी लिया है कैलकुलेटर में, तो यहाँ से बोला बोला है कि आपको कॉपी करना है कोड को, किसका, XML कोड है जो कि एक्टिविटी में XML होगा, तो मैं इसका कोड को पूरा कॉपी करूंगा, यहाँ आऊँगा और जो मेरा ये वाला है इसका XML का है, इसको पूरा कोड रिफ्रेश कर दूंगा मैं। तो देख रहे हैं जैसे करेंगे आपको बस ये वाला जो है इसका डिजाइन थोड़ा बदल जाएगा, टोटली बदल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद से जावा का कोड लूँगा, जावा कोड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आना है और ई वाला इतना कॉपी करना है आपको, ठीक है। ये मैं कॉपी कर लिया ऊपर से और नीचे आऊँगा एप्लीकेशन के अंदर, और मेरा जो XML कॉपी काम है वो हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद से इंपोर्ट कर दूँगा। इंपोर्ट होने के जस्ट बाद अब जो मेरा नेक्स्ट काम है वो क्या है, या ई वाला है, तो ई वाला मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी करूँगा मैंने एक्टिविटी के अंदर आके, और यहाँ पे आने के बाद फिर मैं मुझे यहाँ पे जाना होगा ये वाला भी, इसमें बंद कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट को, पॉलिसी में जिसमें दिखाया था आपको राधे करके, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट है तो मैं इसमें अब इसके अंदर आके पेस्ट कर दूंगा ये वाला, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, अब मुझे फाइनल आईडी करना है इन सबको लेकर के, तो फिर से आऊँगा यहाँ पे और ई वाला पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर लूँगा इससे, ठीक है। तो आप यहाँ से आएंगे और जितना भी कोड है यहाँ तक कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आने के बाद से कंट्रोल वी कर देंगे, इसको पूरा रिप्लेस करिए, कंट्रोल भी करिए। देख रहे हैं हमारा पूरा का पूरा काम हो चुका है, मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले यहाँ पे ये वाला पेस्ट किया हूँ, ठीक है। पहले इंपोर्ट करके ये वाला पेस्ट कर दी ताकि मैं इंस्टॉलाइज कर दूँ, उसके बाद ये वाला अब मैं इसको रन भी कर दे रहा हूँ साथ में ताकि साथ में चलता भी रहे और देखें कि ये बनता कैसे है, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो अभी रन हो रहा था, टाइम लगता रन होने में, उसके बाद मैंने यहाँ पर फाइंड आईडी किया सबको, उसके बाद यहाँ अडाप्टर लगाया और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ बोल रहा है कि गेट करेंसी अनअवेलेबल 7373 नंबर, तो शायद कुछ मिस्टेक हुआ है, वो देखता हूँ क्या है ऐसा। प्राइवेट करेंसी यहाँ तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सकता है कहीं मिस्टेक को देख चेक कर ले रहे हूँ। यहाँ देख रहे हैं मिस्टेक यहाँ पे है, बोल रहा है कि इसको सेट में करना है, रिक्वायर्ड मैंने एरे किया है,
एरे करना है, अब ऐसे आइटम प्रोवाइड किया गया है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो अगर आप कन्वर्ट कर दें होते हैं तो उस समय या कुछ समय नहीं पाता है जब तो मेरा यह रन हो रहा है। तो बिस्टिंग गेट करेंसी कोड है, यहाँ पर देखिए करेंसी कोड के लिए मैंने अप्लाई किया था, वो तभी तो मेरा रन हो रहा है। देखते हैं कि सही में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका भी देखना है ये काम कर रहा है या नहीं। फिर दोबारा मैं रन करता हूँ, उल्टा कर रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। तो यहाँ देखिए आ चुका है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मैं कोई भी चीज़ एंटर करूँगा, 85 USD कितने यूरो में हुआ इसका कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप प्ले करके, ठीक, उसके हिसाब से कन्वर्ट करके आपको दे देगा ये वाला। और यहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें चाहे उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कन्वर्ट करेंगे तो आपको देखिए आंसर आ गया, 85 USD जो होता है हमारा वो 72.25 यूरो को बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हर देश के लिए आप कन्वर्ट करके बना सकते हैं, किसी भी देश को यहाँ पे ले सकते हैं, किसी भी देश का जो करेंसी होता है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी देश के करेंसी में, यहाँ पे इंडियन होगा, USD होगा, डॉलर हो गया, ठीक है।